शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तेरे झूठ और फरेब का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इस औरत को हवेली में आने की अनुमति किसने दी? वो बेचारा बच्चा अकेला अपनी माँ की लाश को हाथ में उठाकर ले जा रहा है। उसे रोक ले भवानी। मेरी गोद में खेलते थे तुम और आज देखो दूल्हा बनने जा रहे हो। पता है काव्या, अम्मा जी को मुझे समझने का कभी वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए मैं इस हवेली में रहना चाहती हूँ ताकि वो मुझे और मैं उन्हें अच्छे से जान सकूं। हाथ जोड़ती हूं उस औरत को मरने के बाद कम से कम उसका हक दे दो, इस हवेली से उसकी हरती को बाइज्जत जाने दो। भवानी प्लीज मान जाओ भवानी। नहीं कुनाल, कुनाल रुक जाओ। कुनाल, ये क्या कर रहा है तू? माँ की इस घर से अंतिम विदाई ऐसे नहीं हो सकती। तूने माँ माँ कहा ना तूने कहा था तू जब इस हवेली ने मेरी माँ को सम्मान नहीं दिया? कहा था तू जब इस हवेली ने मेरी माँ को टुकराया? कहा था जब उनकी याददाश्त चली गई और वो यही सोचती रही कि उसका पति जिंदा है वापस आएगा ले? कहा था तू जब ये पाप हो रहा था तू नहीं था? कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो तुझे कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इस
हवेली ने मेरे साथ बहुत गलत किया, माँ के साथ बहुत गलत किया, और उसकी जो सजा तू मुझे देना चाहे दे सकता है, पर माँ की अंतिम विदाई का हक तू उनसे नहीं छीन सकता। प्लीज सुधारने के लिए बहुत देर हुई, बहुत देर। फिर तो होगी, फिर भी पछतावा करने का एक मौका तो दे दे, ताकि हम हमारी मां को मान सम्मान के साथ इस हवेली से विदा कर पाए। जी जी, आप सच्चाई को ठुकरा सकती हैं, मगर हम नहीं। और सच्चाई यही है कि वो औरत इस हवेली की बहू कभी नहीं थी, ना ही अब है, समझिए आप। दादी माँ, अपने आंखों से नफरत का पर्दा हटाइए और एक बार सच्चे मन से गायत्री जी के बारे में एक बार सोच कर तो देखिए। हर बहू अपनी माँ को छोड़कर आती और वो बस यही सपना देखती है कि उसको उसकी सास पूरी तरह से अपनाए। उनका हक होने के बावजूद भी उन्होंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पूरे मन से आपको मां समझती रही। वो अम्मा जी कहती थी आपको, आपकी इतनी नफरत के बावजूद भी आपको मान सम्मान प्यार सब कुछ देती आई है। दादी माँ, आज वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। वो अपनी चौखट पर अपना दम तोड़ बैठी, कम से कम आज तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए। उनके लिए ना सही, कम से कम अपने बेटे के लिए तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूं दादी, एक बार उनके बारे में सोचिए। रहने दो बहुरिया, आंसुओं से दिल पसीजते हैं, पत्थर नहीं। रहने दो इस पत्थर को यहां अकेला, चलो यहां से। दादी माँ, thank you.
विदाई का समय हो गया। परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए। अपने गंदे हाथों से हमारे पैर मैले मत करो। जिस दिन आई थी उसी दिन अगर हम तुम्हारा गला दबा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूं ना, मुझे अपना लीजिए ना।
गायत्री, तुम्हारे साथ जो हमने पाप किया है उसके प्रायश्चित के आग में हम जीवन भर जलते रहेंगे और यही हमारी सजा है। काश काश हम तुम्हारे जीते जी तुम्हें तुम्हारा हक दे पाते तो शायद आज तुम महादेव क्षमा तुम्हारी डुबली को हमने इस हवेली में आने का हक नहीं दिया था पर आज तुम्हारी अर्थी को हम वो हक देते हैं कि वो इस हवेली से उठे इस हवेली में भले ही ना आ पाई हो पर तुम्हारी अंतिम विदाई इस हवेली से सिंह परिवार की बहू के रूप में ही होगी। सुना सबने? कंगन, ये तो हमारा कंगन कंगन है। गायत्री विक्रम प्रताप सिंह यही बनकर अपनी आखिरी यात्रा के लिए इस हवेली से निकलोगी। और तुम्हारी अर्थी को कांधा देगा हमारा पोता कुणाल। कुणाल विक्रम प्रताप सिंह आज भले ही तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर दूर चली गई है पर आज तुम्हारी ये मां तुम्हें उस ममता से कभी वंचित नहीं करेगी बेटा कभी वंचित
जो सपना आपने सीने में दबाए रखा था वो सपना पूरा हो गया और आप से नफरत का चश्मा हटाने में हमने बहुत देर कर दी ना गायत्री। ये मुझे भाई का है, बात से माँ पर हम दोनों का हक है। कैसे, कब और कहाँ तुम्हें ये सब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। अब होगा सिंह हवेली में तांडव और हिल उठेगी सिंह परिवार की इस अटूट हवेली की सारी दीवारें। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।